दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई है। यहाँ एक 1.5 साल का मासूम पानी से भरे वॉशिंग मशीन में गिर गया। यही नहीं, तकरीबन 15 मिनट तक वो साबुन और पानी से भरे टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में डूबा रहा, जिसके बाद आनन फानन में बच्चे को वसंत कुछ के फोर्टीज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बताया जब बच्चे को अस्पताल लाया गया था तो वो बेहोश और ठंडा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं न्यूनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के निदेशक डॉक्टर राहुल नागपाल ने कहा कि बच्चा नीला पड़ गया था और हाफ रहा था, उसका हार्ट रेट कमजोर था और कोई पल्स और बीपी नहीं था। ये बच्चा 7 दिन कोमा में और वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर था। बाद में 12 दिन वार्ड में रहने के बाद ये बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। अब बच्चा सामान्य व्यवहार कर रहा है और ठीक से चल रहा है, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है।